नमस्ते, वेलकम टू अर्बन चैटराटी। मेरा नाम अभिनव प्रकाश है और आज हमारे साथ जुड़े हैं फयाज अहमद फैजी जी, जो पसमंदा एक्टिविस्ट हैं, ऑथर हैं, और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, जो है इन्होंने तबलीगी जमात क्यों छोड़ी। फयाज जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। वेलकम फयाज जी। फयाज जी, से आपने बोला कि आप करीब स्कूल के समय से ही तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे, और आप जब कॉलेज में थे, कॉलेज के आखिरी में आके फिर आपको लगा कि नहीं, ये संगठन आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहा है, एक पसमंदा के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे। तो क्या आप इस जर्नी को हमको समझाएंगे थोड़ा, कि आप कैसे जुड़े थे तबलीगी जमात में और आपने उसमें क्या क्या कार्य किए, क्या एसोसिएशन रहा आपका? देखिए, मैं अगर आपने कहा कि स्कूलिंग के जमाने से, मैं उससे बहुत पहले से मेरे घर में, मेरा जो खानदान है, मेरा जो परिवार है, वो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था। और हमारे यहाँ हमारा परिवार काफ़ी एजुकेटेड था, टीचर्स थे, मैथमेटिक्स के टीचर, बायोलॉजी के टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर्स मेरे परिवार में थे। फिर भी हमारे यहाँ तबलीगी जमात, मैंने जब आँख खोली है अपने परिवार में, तो वो तबलीगी जमात का सिस्टम मैंने देखा था। मेरे लिए कोई नई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं थी, मेरे परिवार की वो चीज़ थी। और फिर जब मैं, हम लोग अपने पिताजी के साथ अलग रहते थे, मेरे पिताजी शिक्षक थे बायोलॉजी के इंटरमीडिएट कॉलेज में, तो हम अपने पिताजी के साथ अलग रहा करते थे। तो हम लोग जब गर्मियों की छुट्टी में अपने पैतृक आवास जाया करते थे, तो वहाँ हम अपने भाइयों को, अपने बड़ों को देखते थे काम करते हुए। तो तबलीगी जमात से एक हमारा बचपन से एक वो जुड़ाव था, और मैं उसके जो भी उसकी कार्य प्रणाली है उसे पहले से मैं परिचित था। लेकिन मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन, मैं जब 9th-10th में था, वहाँ से शुरू हो गया। भाइयों ने कहा कि नहीं, तुम जमात में चलो, वो मस्जिद घर से बाहर जाना होता है, तो मेरे पिताजी परमिशन नहीं देते थे, कहते थे कि नहीं, मस्जिद में जो बातचीत हो रही वहाँ सुन लो, अपने घर के पास, जमात में जाने की ज़रूरत नहीं। तो हम लोग इस तरह से जो जमातें आती थी हमारे नियर बाई मस्जिद, जहाँ हम लोग नमाज पढ़ने जाते थे, वहाँ सुनते थे, अपने बड़े भाइयों को सुनते थे, अपने चचा लोगों को सुनता था मैं। लेकिन मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जब मैं था, वहाँ से शुरू हुआ। इवन जब हम लोग पिताजी के साथ रहते थे, तो तबलीगी जमात में दो टर्म चलते हैं, नुसरत और हिजरत। यानी जब आप अपने घर पे हैं, तो जो बाहर से जमातें आती हैं उसकी देख रेख करना, उसके काम में मदद करना, ये नुसरत कहलाता है। और जब आप खुद जमात में बाहर निकल के जाएँ, तो वो हिजरत कहलाता है। उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह है। तो नुसरत के काम में एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारा इंटरमीडिएट के दौरान था, तो आना। और हम लोग, पिताजी हमारे तबलीगी जमात को बहुत पसंद नहीं करते थे, और लेकिन वो सुनने वगैरह को कहते थे, ठीक है जाके सुन लो, लेकिन बहुत पीछे पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आपके पिताजी क्यों नहीं पसंद करते थे? एक हमारे पिताजी थोड़े से लिबरल, सेकुलर, मॉडर्न कहे जाते थे हमारे परिवार में, क्योंकि वो साइंस टीचर थे और एक बड़ा वो MN एजुकेशन के लिए और लड़कियों के एजुकेशन के लिए, और भी जो समाज में जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग थी, वो थोड़े से प्रोग्रेसिव थे। तो घर में भी दादी वगैरह कहा करती थी कि ये बेदीन है, लेकिन हमारे पिताजी पक्के नमाजी थे, नमाज भी पढ़ा करते थे 5 वक्त की। लेकिन वो समाज को बहुत, साइंस के टीचर थे, बायोलॉजी के टीचर थे, लेकिन उनके सोशल इश्यूज़ पे वो बहुत काम भी करते थे, एजुकेशन पे। तो वो नहीं चाहते थे कि बच्चे हमारे कट्टरपंथी हो जाएं या इस तरह का जो भी उनका सोचना रहो, मैं ये समझ पाया। तो हम लोग पापा से छुप के जो है मस्जिदों में चले जाते थे, जमात की मदद करते थे, उनका कोई सामान ले आ देना या उनको गश्त करा देना। जैसे बाहर से जमातें आती हैं तो उनको लोकलिटी का पता नहीं होता है, तो लोकल लोग बताते हैं कि ये मुसलमान का घर, यहाँ मिल लीजिए। ये हम दोनों भाई, मैं ट्विन ब्रदर हूँ, हम लोग बड़े शौक से किया करते थे। लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन जमातों में जाना, जब मैं इलाहाबाद पढ़ने गया, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के पूरब का रहने वाला हूं मैं, वहां से नज़दीकी जो इलाहाबाद, लखनऊ, उस वक्त हमारे समय में लखनऊ भी उतना प्रसिद्ध नहीं था, इलाहाबाद से पढ़ने जाते थे, आप उस बात को समझते। जब हम लोग इलाहाबाद पढ़ने गए, तो मैंने देखा कि जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने जाता था, वहाँ पे 3 लोग, वो मस्जिदवार जमात कही जाती है, यानी किसी एक पर्टिकुलर मस्जिद में उसकी एक अपनी टीम होती है, वो मस्जिदवार जमात कही जाती है। हमने देखा 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं जिस पे ग्राउंड से आया था, वहाँ ह्यूज, मतलब बड़े तादाद में लोग मस्जिदवार जमात में जुड़ा करते थे। तो मुझे बड़ा एक अजीब से लगा कि यार ये जमात यहाँ इतनी कमज़ोर है, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा। हम लोग बचपन में तबलीगी जमात से भागा भी करते थे, क्योंकि वो आते थे और पकड़ के मस्जिद में लेके चले आते थे। बचपने का वक्त था, और वो जो शाम का वक्त होता है वो खेलने का वक्त होता है, था उसमें जमात वाले लेके चले जाते थे, तो हम लोग भागते बहुत थे।
लेकिन वहाँ मेरा अट्रैक्शन हुआ कि यार ये तो काम यहाँ बड़ा कमजोर है। मैं वहाँ से फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन में हम दोनों भाई जुड़े। ये एक जर्नी है और मैंने फिर जो उसकी तरतीब होती है, जब महीने में 3 दिन जाना घर दरवाज़ा छोड़ के स्टूडेंट लाइफ में, तो ये हम अपने पिताजी से छुपा के हम लोग करते थे। बस उनको ये कहते थे कि नहीं पापा, हम लोग जो है जब मस्जिद में जमात आती है तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेशन करते हैं और कहीं जाते होते नहीं। लेकिन पिताजी को खबर हो गई कि आपके बच्चे जाते हैं जमात में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जमात में जाने की ज़रूरत नहीं, छुट्टी हो तुम घर आओ। तो ये हमारा रहा है। और आप समझिए कि इंटरमीडिएट से लेके फिर मैं मेडिकल CPMT हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, मेडिकल की तैयारी के ज़माने में, फिर मैंने यूनानी से मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन के दौरान बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन मेरा रहा है। मैं डेली, हमारा एक सिस्टम था तबलीगी जमात का, आज भी है, डेली एक आदमी से एक पर्सन से मुलाकात, हफ्ते में थर्सडे के दिन शहर का एक मरकज होता है, मतलब सेंटर, वहाँ जाना। तो एकदम बिल्कुल रूटीन से, वो 6 काम कहते हैं, 5 काम कहते हैं इसको, तो इसमें बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारा रहा। जी जी, तो ये तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन नॉर्मली जो बोला जाता है कि अगर आजकल क्या यंग जो जनरेशन होती है थोड़े रिलीजियस कामों में लगती है, इसको तो अच्छा माना जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आपने उसको आपने उसको बाहर निकाला है उससे। तो आपका अनुभव क्या था उसके साथ? जी, अनुभव की बात थी, मैं चूंकि आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। मैं भी सिंस चाइल्डहुड बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हूँ, मैं आज भी बहुत बड़ा आस्तिक हूँ मैं, और जो है वो एक हमारी पृष्ठभूमि है, हमारी एक मेंटेलिटी थी। तो वहाँ देखा कि नहीं, इस्लाम का काम हो रहा है और इसमें दीन सीखा जा रहा है, नमाज की, और अच्छा मामला करना है, लोगों से अच्छे से मिलना है, जो भी एक मोरलिटी या नैतिकता सिखाई जाती थी या बताई जाती थी कि नहीं हमें अपने दीन की तरफ लौटना है, जो सारी परेशानियां है दीन की, उस वजह से एक रुझान था कि नहीं, उसमें कोई आप ऊपर से देखेंगे तो कुछ बहुत बुरा दिखता भी नहीं है, लेकिन वो मैंने जो पाया वो एक तरह से जो है आपको बिल्कुल जो सांसारिक एक आपका क्रियाकलाप है, दुनिया है, उससे वो काट ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की हम बात करते हैं, दुनिया कुछ नहीं होती है, जबकि आप देखेंगे चोटी के लोगों की दुनिया इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है। तबलीगी जमात में अक्सर कहते हैं कि एक हदीस पढ़ते हैं वो लोग की जो है, दुनिया मच्छर के पर के बराबर है, तो दुनिया से कुछ नहीं, हमें आखिरत बनाना है, यानी जो मरने के बाद की जो लाइफ है उसके लिए। तो ऊपर टॉप के नेताओं को आप देखेंगे, नेता ना के लिए जो उलमा जो कह लीजिए, उनकी आप दुनिया भी बहुत अच्छी पाएंगे। आप पाकिस्तान के एक बहुत ही फायर ब्रांड तबलीगी जमात के हैं तारिक जमील साहब, उनकी आप देख लीजिए, उनकी लाइफ स्टाइल देख लीजिए, उनका मकान देख लीजिए, उनकी गाड़ी देख लीजिए। वो मुझे एक दोस्त हमारे बता रहे थे कि 1 करोड़ की उनकी गाड़ी है, वो कोई ब्रांड बता रहे थे, उससे निकल के वो आते हैं और कहते हैं कि साहब दुनिया मच्छर के पर के बराबर है, दुनिया छोड़ देना चाहिए। मैं अपने पसमानदा साथियों से कहता था कि तुम भी 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आओ, उसके बाद हमसे कहो तो हम ये बात मान लेंगे कि दुनिया छोड़ देनी चाहिए। तो वो एक था, तो धीरे धीरे मुझे उस चीज़ समझ में, अच्छा तबलीगी जमात का स्ट्रक्चर सामने से जो इनके इस्तेमात होते हैं, मैं बहुवचन इस्तेमा का बहुवचन इस्तेमात होते हैं, इस्तेमे में आप जाके देखेंगे तो बहुत ही जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं ना, ज़्यादातर पसमानदा होते हैं, डाउन ट्रोडन होते हैं, वो बहुत ही उनकी नीयत सही होती है, वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, फिर अपनी जिंदगी को धार्मिक आधार में डालना, परोपकार करना सदा। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज। हाँ, तो ये सदाचार करना उसमें वो जुड़ा होता है। लेकिन मैं जब बहुत करीब गया तो हमने देखा कि तबलीगी जमात की स्ट्रक्चर में भी ये इस मसावात और बराबरी तो कहते हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, और वहाँ भी स्पष्ट हुआ अशराफ और जाल का पसमानदा को हमें देखने को मिला। और चूंकि मैं बहुत ढंग से काम करता था, मैं स्पीच भी अच्छी दे लेता था, तो मैं बहुत तेजी से तबलीगी जमात में आगे बढ़ा, हम दोनों भाई आगे बढ़े। एक मैं यहाँ रोक के मैं एक बात सुनाना चाहूँगा, हम दोनों भाई जब अपने पिताजी के साथ घर पे रहा करते थे और जमात की नुसरत का जब हम काम किया करते थे, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हम लोग ट्विन ब्रदर हैं, तो हम लोगों ने एक पापा जानने ना पाए कि हम जमात की मदद करने जा रहे हैं, या बहुत वो बहुत हार्श होकर मना नहीं करते थे, लेकिन वो कहते थे नहीं इतना बहुत इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। तो हम लोगों ने टर्न बना रखा था, कभी भाई जाता था कभी मैं जाता था, ताकि घर वालों को पता ना चले। अच्छा, ये सिस्टम हम लोगों ने फिल्मों देखने में भी लगाया था उस जमाने में, आप जानते हैं हाफ टाइम की मूवी वो देख के आता था, उसके बाद उसी टिकट से मैं उसकी बाद वाली मूवी देखता था, फिर दूसरे दिन हम लोग अल्टरनेट कर लेते थे, पहले वाली हाफ मैं देख के आता था, बाद वाला वो देख के आता था। यही सिस्टम हम लोगों ने जमात में भी लगाया था।
इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो जमात हमारे लोकेलिटी में थी, तो उन लोगों ने हमको जैसे ट्रीट किया ये नहीं पता, हम लोग मदद करते थे। फिर उसके बाद वही जमात एक ऐसे इलाके में गई और वहाँ जाके यही बात कहने लगी कि देखिए अल्लाह की कैसे मदद आती है अल्लाह के रास्ते में निकलने में, वो जमात को अल्लाह का रास्ता कहते हैं। तो वहाँ हमारे कजिन ब्रदर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि एक वाकया बताओ, अभी हम लोग इससे पहले जहाँ जमात में थे वहाँ फरिश्ते आते थे और एक और इतनी जल्दी से आते थे, मतलब वो हम लोगों की जो आने जाने की फ्रिक्वेंसी थी उससे वो कन्फ्यूज थे क्योंकि शक्ल एक थी। तो कहते थे कि अभी वो आता था एक फरिश्ता और उसके बाद वो चला जाता, जब तक दूसरा फरिश्ता उसी शक्ल में कपड़े बदल के आ जाता था। तो हमारे कजिन भाई वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने हंसते हुए कहा कि अरे भाई कहाँ गए थे आप? तो उन्होंने हमारी उस जगह का नाम बताया, कहें कि भाई उनका नाम उर्फी फैजी तो नहीं था? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, अरे वो हमारे भाई हैं और जुड़वा हैं। तो सारे लोग वहाँ हंसने लगे कि भाई ये जो है इस तरह का एक हाइपोथेटिकल चीज मेरे दिमाग में रहता है कि भाई अल्लाह का रास्ता है तो अल्लाह की मदद आएगी। तो मैं ये कह रहा था कि तबलीगी जमात का जो स्ट्रक्चर देखा, आप बड़े इज्तमात में जब जाएंगे तो वहाँ दो तरह का मजमा होता है, एक खवास का मजमा कहते हैं, एक आवाम का मजमा, टेंट भी उसी हिसाब से लगता है। चूंकि हम लोग डाउन ट्रोडन सोसाइटी से थे और ये भेदभाव इससे बहुत ही सेंसिटिव होता है, आप जो सबल्टर्न लोग होते हैं, तो मैंने वह देखा कि जो वहाँ खवास का मजमा होता था, आवाम के मजमे में ये हमें ये सिखाया जाता था कि एक प्लेट में खाना चाहिए और एक प्लेट में जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतने ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। ठीक, तो ये हदीस है इस तरह कह के, तो हम लोग उसको फॉलो भी करते थे। लेकिन मैंने जब खवास का मजमा देखा, हमारे एक दोस्त हैं वो आजकल जज हैं और वो तबलीगी जमात के बहुत एक्टिव मेंबर है, आज भी हैं वो, तो वो मुझे ले के गए। मैं अंदर जब गया तो वहाँ देखा कि बेहतरीन दस्तरखान लगा हुआ है और अलग अलग रिकाबी में बेहतरीन क्रॉकरी के बर्तन में तश्तरी में दस्तरखान लगा हुआ है, सब अपने अपने प्लेट में खा रहे हैं। मुझे वो बात बहुत स्ट्राइक की कि भाई ऐसा क्यों है, वहाँ तो कहते हैं कि एक प्लेट में जितनी ज़्यादा हाथ होंगे उतनी बरकत होगी उतनी सवाब मिलेगा। और तो वो बात मुझे खटकी थी और मैंने कई लोगों से पूछा, तो जो पसमानदा समाज से थे, एक्टिव पार्टिसिपेशन था उसमें, प्रोफेसर भी थे, टीचर्स भी थे, डॉक्टर भी थे, मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि भाई ऐसी ये तो बात गलत है, अगर एक प्लेट में ज़्यादा हाथ होने से सवाब मिलता है तो आवाम के साथ साथ खवास को भी होना चाहिए। तो अक्सर आप देखेंगे तबलीगी जमात का कोई भी इज्तिमा होता है तो वो खवास का पिंडाल ही अलग लगता है और उसमें एकदम वो अशराफवाद या अशराफ की तरह से खान पान का जो भी सिस्टम है वो रहता है। तो इसमें तो अंतर क्या हुआ, ये अवाम वाले में उस वाले में अंतर क्या है, मतलब किस किस हाल में डिवाइडेड है? अवाम का मतलब जनरल पीपल जो है, और जो खवास जो होता है, जो स्पेशल लोग हैं जो तबलीगी जमात को लीड करते हैं, चाहे वो एरिया के हिसाब से या डिस्ट्रिक्ट के एतबार से हो या फिर जो चोटी के लोग हैं जो मरकज निजामुद्दीन में बैठते हैं वहां पे, वो वहाँ से लोग आते हैं, तो वो मतलब जो लीडरशिप, जो आप कह लीजिए जो अटमोस्ट या जो लीडरशिप जो है, आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो जो जो चीफ लोग हैं उनके लिए अलग से टेंट लगना, और वो एक आध इस समय में जाने के बाद मेरा मूड खराब होने लगना, हमने कहा यार यही वाहियात चीज वहाँ है, हमको ये दिन भर कहते, तो वहाँ से मेरा मन उचाट हो गया। फिर उसी दौरान हमने प्रोफेसर मसूद आलम फलाही साहब की एक किताब है हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान, उसमें हमने एक बात पढ़ी। तो चूंकि मैं तबलीगी जमात का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट था, आप समझिए कि आपका दिल किसी से लगा हो और फिर इस तरह की प्यार, फिर मसूद साहब की किताब में किताब के वाक्य पढ़ के मेरा दिल ही टूट गया, तो मैं वो बात बताना चाहूँगा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि तबलीगी जमात को, वो किताब बहुत पढ़ने लायक है, उसका खासतौर से उसका 9वां चैप्टर जो है उसमें उन्होंने जो उलमा हैं, जो अशराफ उलमा हैं, उनकी करतूतों को बहुत डिटेल में लिखा है, किस तरह से उन्होंने भेदभाव किया है हम भारतीय मुसलमानों के साथ जो देशज पसमानदा हैं। एनीवे मैं उस बात पे आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात जो जिन्होंने शुरू किया था, मौलाना इलियास जी ने शुरू किया था, उसके बाद उसके अमीर बनाए गए उन्हीं के सुपुत्र यूसुफ साहब, यूसुफ जी के बारे में कहा जाता कि वो अपने पिताजी के ज़माने में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन उनके गुजरने के बाद लोगों ने उनको वो बना दिया। यहाँ भी देखिए कि नियोपटिज्म तबलीगी जमात में नस्लवाद और जातिवाद से आगे बढ़ के परिवारवाद कूट कूट के भरा हुआ, नियोपटिज्म जिसे आजकल कह लीजिए, अब वो और किसी को एक परिवार विशेष है, शेयुख कांधला कहे जाते हैं, कांधला एक जगह है सहारनपुर में जहाँ के ये लोग हैं, जो मौलाना इलियास साहब उनका जो खानदान है, तो वो शेयुख, शेयुख बहुवचन है शेख का, कि कांधला के रहने वाले शेख है उनका हक है, इमारत, इमारत कहते हैं जो उसकी अध्यक्ष है, जो उसका सुप्रीम कमांडर होगा।
तो उन्होंने मौलाना यूसुफ जी के गुजरने के बाद मौलाना जाति क्या रहमतुल्ला है मेरठी, जो तबलीगी जमात को लीड करते हैं, उनकी जाति क्या है? शेख, ये लोग शेख कहलाते हैं, अपर क्लास जो है अशराफ शेख कह जाते हैं ये लोग, बहुत मशहूर हैं। मैं बात पूरी करता हूँ। तो मौलाना यूसुफ के बाद जो है तीसरा जो अमीर कहते हैं, अमीर कहते हैं अम्र देने वाले को, अम्र कहते हैं हुक्म देने वाला, ऑर्डर देने वाला, मतलब प्रशासक आप समझ लीजिए, अध्यक्ष समझ लीजिए किसी जमात या किसी संगठन विशेष का। तो मौलाना रहमतुल्ला मेरठी को बनाया गया था, और मौलाना रहमतुल्ला मेरठी के साथ दिक्कत ये थी, वो बहुत, अब जाहिर सी बात है किसी भी संगठन का जब अध्यक्ष बनाया जाएगा तो उस संगठन में उसकी एक बड़ी भूमिका रही होगी, ये एकदम सर्वविदित है, आप इसको समझ सकते हैं। सो इसीलिए उनको बनाया गया था। लेकिन जैसे वो बने तो वो पसमानदा तेली बिरादरी से थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, आज भी उनके पुत्र वगैरह जीवित हैं, उनसे आप उनसे भी बात की जा सकती है। प्रोफेसर मसूद आलम फलाही साहब ने उनसे बात करके उसी आधार पर लिखा है, और भी एक रेफरेंस के तौर पे मैं दे दूंगा एक किताब में, और भी उसका वर्णन आता है। तो वहाँ पूरा हल्ला हो गया कि ये कैसे बन गया, एक रजील कैसे अमीर हो सकता है, और पूरा हंगामा। ये हंगामा वैसे ही था जैसे जमीयतुल उलमा के जब अमीर बनाए गए थे, अमीर हिंद बनाए गए थे मौलाना हबीबुर्रहमान आज़मी साहब। मौलाना हबीबुर्रहमान आज़मी साहब देखिए, एक कोरी बिरादरी से आने वाला देश का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन जमीयतुल उलमा हिंद का सदर नहीं बन सकता, अध्यक्ष नहीं बन सकता, मेरे हिंद नहीं बन सकता है। बुनकर बिरादरी से मौलाना हबीबुर्रहमान साहब आज़मी थे, उस वक्त भी बहुत हंगामा किया गया, और इतना हंगामा किया गया कि उनको जमीयतुल उलमा हिंद का जो है वो अध्यक्षीय पद छोड़ना पड़ा। वैसे ही कुछ मामला जो है इनके साथ भी हुआ, और इतना हंगामा हो गया, लोग कहने लगे कि नहीं, अध्यक्ष जो होगा, जो अमीर होगा तबलीगी जमात का, वो शेयुख कांधला का हक है, उन्हीं लोगों का हक है, शेयुख शेख का बहुवचन होता है। तो अब इसके लिए देखिए किस तरह से अभी हंगामा चल रहा था कि मीनवाइल मौलाना ये मौलाना जकरिया जो तबलीगी जमात को जो संस्थापक थे, मौलाना इलियास साहब के भतीजे लगते हैं, मौलाना मोहम्मद के लड़के हैं, जिन्होंने तबलीगी जमात की एक बड़ी किताब आती है, मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा, फजाइल अमाल नाम से, उसके लेखक हैं, उन्होंने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब की ताबीर ये बताई, मैं उस बात को बताया, उन्होंने एक ख्वाब देखा, अपने ख्वाब की ताबीर अपने मुरीदों से बताते हैं कि जो है मैंने ख्वाब देखा है कि एक मशीन है जिसको अजीजी यूसुफ सल्लमहु चला रहे हैं, ये अरबी स्टाइल है किसी के इज्जत से अपने बच्चे का नाम लेने का, तो वो एक मशीन है जिसको यूसुफ चला रहे हैं, और जब वो थक जा रहे हैं तो इनामुल हसन चलाने लग रहे हैं। इनामुल हसन जो है इनके दामाद हैं जकरिया के, थे, अब तो वो भी दुनिया में नहीं है। तो लिहाजा मेरे नज़दीक इस ख्वाब की ताबीर ये है कि तबलीगी जमात वो मशीन है और उसको यूसुफ चला रहे थे, चूंकि यूसुफ दुनिया में नहीं है तब इनामुल हसन चलाएंगे। तो इस अहकीर के नज़दीक, बड़ा अच्छा थे वो लोग लिखते, अहकीर कहते हैं हकीर को जो एकदम छोटा है, तो अपने तो कहते कि इस अहकीर के नज़दीक इस ख्वाब की ताबीर ये हुई कि तबलीगी जमात के अमीर इनामुल हसन साहब होंगे, और ये इनामुल हसन कोई अलग से नहीं थे, उसी परिवार के थे, एक ही परिवार में, चूंकि अशराफ का ये कल्चर है, वो अच्छा है कि बुरा है उस पर मैं कोई कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो आपस में शादियाँ करते हैं चचेरी बहन से, और आपस में शादियाँ करते थे। इनामुल हसन साहब मौलाना जकरिया के दामाद भी थे, मौलाना यूसुफ के जो है मौलाना इलियास के भतीजे हैं, एक ही परिवार की बात है। तो वहाँ से रहमतुल्ला मेरठी साहब को हटा दिया गया है, और इनामुल हसन साहब जो है अमीर बनते हैं। मैं इसी को थोड़ा सा आगे करूँगा। इनामुल हसन साहब जब तक अमीर थे तो अच्छा, दिक्कत ये थी कि मौलाना यूसुफ के लड़के दुनिया में नहीं थे, और उनके जो लड़के थे यानी मौलाना यूसुफ के पोते मौलाना साद, वो बहुत छोटे थे, तो उनको अमीर नहीं बनाया जा सकता था। तो इसलिए जो है परिवार के दूसरे व्यक्ति को अमीर बनाया गया, और जब तक इनामुल हसन साहब जीवित थे वही अमीर थे। उनके जाने के बाद इनामुल हसन के लड़के मौलाना ज़ुबैर और फिर इधर मौलाना साद भी बड़े हो गए थे, ये हुआ कि कौन अमीर होगा। तो उस वक्त को भी लेके भी कुछ रस्सा कशी हुई थी, लेकिन उसको एक सूरा बना के, मतलब एक क्या कहते हैं सूरा, ऐसा कह लीजिए जिसे चार पांच लोग, वो इस्लामिक इस्तेलाह में सूरा कही जाती है, सलाहकार परिषद आप समझ लीजिए, सलाहकार परिषद बना के तबलीगी जमात को चलाया गया। उसमें हफ्ते हफ्ते का अमीर सेलेक्ट होता था, और वही स्टाइल दिल्ली मरकज से लेके तबलीगी जमात से जुड़ी छोटी छोटी मस्जिदों में होता था। हम लोग भी जब काम करते थे तो एक एक हफ्ते का अमीर तय करते थे, क्योंकि खिलाफत के लिए या इमारत के लिए या तबलीगी जमात का अध्यक्ष बनने के लिए अलग अलग इश्तेला है, सबके माने और एक ही है। ज़रूरी ये था कि मौलाना ज़ुबैर भी उसके दावेदार थे, मौलाना साद भी थे,
आप देखेंगे तबलीगी जमात के हल्के में मौलाना जुबैर से, अब वो भी दुनिया में नहीं, उनसे ज़्यादा मौलाना साद के चर्चे हुआ करते थे। हम लोग बचपन से सुनते चले आते थे, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। वो एक पूरा नस्लवाद या नियोपटिज्म परिवारवाद को उसमें जो है खामोशी के साथ उसको चलाया जाता था, जो मैं उस वक्त समझ नहीं पाता था। अब मैं खुल के उस बात को समझता हूँ। मौलाना साद के नाम की ज़्यादा चर्चा होती थी, और कोई भी बड़ा मजमा हो चाहे कोई भी बड़े फैसले हो, बिना मौलाना जुबैर मौलाना साद के रहने के नहीं होते थे। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो बड़ा फैसला कोई नहीं होता था। मेरा खुद एक जाति तजर्बा था, एक बड़े इज्तिमे में मैं गया था, मैं समझता इटावा के आसपास वो एक जगह है कासगंज के पास, वहाँ मैं गया था, तो वहाँ मौलाना नहीं आया था, इसलिए वो नहीं हो पाया था। और आप देखिए, इसी में जाने के बाद मौलाना जुबैर साहब जैसे ही दुनिया से जाते हैं, मौलाना साद अपने को स्वयंभू अमीर घोषित कर देते हैं। वहीं से फिर तबलीगी जमात में दो तबलीगी जमात है इस वक्त, एक मौलाना साद के नेतृत्व में चलता है, एक मौलाना जुबैर के लड़के मौलाना जुहैर के नेतृत्व में चलता है। और दिल्ली मरकज थोड़ी दूर पे दोनों के मरकज है। मौलाना लाट साहब बहुत बड़े बहुत पुराने साथियों में है, एक साथी का टर्म जैसे कम्युनिस्टों में कॉमरेड का टर्म चलता है, तबलीगी जमात में साथी का टर्म चलता है, तो हमारी जबान पे वही कि वो बहुत पुराने साथी हैं, तो मौलाना जुहैर के साथ हैं। तो ये अमीर कौन होगा, तो मौलाना जुहैर ने इसकी विरोध किया। देखिए, मौलाना जुहैर मौलाना साद एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के हैं, रिश्ते में भी हैं, भाई और मतलब एक दूसरे की बहनों से ये शादी भी कर लेते, तो एक ही परिवार की बात है। पूरा नियोपटिज्म का इससे बेहतरीन उदाहरण भारत के किसी भी संगठन में आपको नहीं मिलेगा, जितनी बढ़िया एग्जाम्पल आप नियोपटिज्म का तबलीगी जमात में दे सकते हैं। और यही नहीं, मरकज निजामुद्दीन के अंदर खून खराबा हुआ, एक एक दूसरे के समर्थक आपस में लड़ गए, भिड़ गए, खून गिरा, पुलिस गई, ये सारा कुछ होता है। ठीक है, तो उसी इमारत के लिए, जिस इमारत को, जिस दुनिया को ये कहते हैं कि मच्छर के पर के बराबर है और हमें छोड़ देना चाहिए, आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, उसी दुनिया में एक संगठन के अध्यक्ष बनने के लिए आपस में ये दोनों एक ही हैं, एक ही परिवार के मारामारी कर लेते हैं। रहमतुल्लाह मेरठी साहब को हटा दिया जाता है कि इनकी इस्लामिक फिक्र जो है, इस्लामिक इस्तेलाह में रजील कमीन के इनके, हम तो उसको पसमानदा कहते हैं, उस बिरादरी से थे, खुद में आपस में लड़ गए। और आज तबलीगी जमात दो है, मौलाना साद चूंकि मौलाना इलियास के ही वंशावली से आते हैं, उनके परपोते हैं, तो उनको चाहने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन मौलाना जुहैर भी उसी खानदान के, मौलाना जुबैर इनामुल हसन, ये चली आती है। आपने देखा था तबलीगी जमात इधर कोरोना काल में बहुत हाईलाइट भी हुआ था, कुछ हमारे यहाँ तुष्टिकरण भी बहुत ढंग से होता है, अशराफ मुस्लिम तुष्टिकरण, यहाँ पे हमारे यहाँ अशराफ तुष्टिकरण होता है, जहाँ एक थानेदार को जाना चाहिए पूछताछ करने, जहाँ बहुत बड़ी बात है तो शहर का कोतवाल चला जाता है, एसपी सिटी चला जाता है, वहाँ नेशनल सिक्योरिटी के हमारे सिक्योरिटी साहब चले जाते हैं और मन बढ़ा देते हैं। तो ये इस तरह का एक है, मैंने उस पर पोस्ट भी डाली थी कि अच्छी बात नहीं है, अगर कहीं कोई इस तरह की चीज है तो उस लेवल के अधिकारी जाने चाहिए जी। हमारा जो डोवाल जी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भारत की सिक्योरिटी के एतबार से, एनीवे वो एक है। तो आपने बात काफी इंटरेस्टिंग बताया कि यहाँ पे पसमानदा के पास लीडरशिप रोल में आने की कोई जगह नहीं है। नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। मेजोरिटी फॉलोवर्स हैं वो पसमानदा कम्युनिटी से आते हैं। तो पसमानदा कम्युनिटी को गठन में शामिल कैसे करा पाते हैं, कैसे उनको मोबिलाइज कर पाते हैं? देखिए, धर्म के नाम पे, ये तो अशराफ का पुराना है, बहुत शुरू से वो धर्म के नाम पे। देखिए, जब इनका डाउनफॉल होने लगा, इनके शासन सत्ता जब जाने लगी, जो मुगलों का शासन खत्म होता है, मतलब जो अशराफ, मैं उसको मुस्लिम शासन काल नहीं, अशराफ शासन काल कहता हूँ, क्योंकि हम तो कभी शासक वर्ग थे ही नहीं, पसमानदा कहाँ शासक वर्ग था। ये हमको कहते हैं कि ताजमहल तुम्हारा है, तुमने दिल्ली का लाल किला बनाया है, तुमने ताजमहल, हमने कहा ये तो मुगलों ने, तातारियों ने, अशराफ ने बनाए हैं, ये हमारे बाप दादा उसमें मजदूर रहे होंगे, मजदूरी किया होगा ताजमहल बनाने में, जिसके इन्होंने हाथ काट दिए। अब तो योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बढ़िया राम मंदिर बनाएंगे और किसी मजदूर का हाथ नहीं काटेंगे, तो मुझे बहुत अपील किया उस डायलॉग ने मुझे। विचारधारा अलग हो सकती है, आप किसी से मतभेद कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन मुझे बहुत ही मुझे अपील किया कि हाँ, ये तो सही बात है, हाथ नहीं काटना चाहिए किसी का। तो हम कभी शासक वर्ग नहीं रहे, तो ये हमको उस इटोपिया में, उस आदर्श लोक में जीते हैं कि तुम शासक वर्ग थे, और पसमानदा भी अपने को वैसे चौड़े बन के चलता है, लेकिन वो हमें फूट सोल्जर बना के रखते हैं। और तबलीगी, मैं थोड़ी सी एक बात, इमारत जो उसकी अध्यक्ष के साथ, तो ये देखिए, ये बांट लेते हैं किसी चीज़ को, जब इनकी बात आती है और पसमानदा की बात आती है, तो रजील कमीन देसज भारतीय करके हटा देते हैं,
यही हाल जमीयतुल उलमा हिंद का भी है, वहाँ भी दो जमीयतुल उलमा हिंद, एक चचा चला रहे हैं, एक भतीजा चला रहे हैं, उस वक्त कोई प्रॉब्लम, ये बांट लेते हैं, लेकिन जब कोई पसमानदा आ जाता है अपनी काबिलियत, तो ये अक्सर मेरिट की बात करते हैं कि आप पढ़ लिख के आइए, क्यों नहीं आपको जगह मिलेगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्यों नहीं आपको जगह मिलेगी, लेकिन जब कोई पढ़ लिख के आता है तो उसके साथ इनका कुफू आ जाता है और खलीफा जो है कुरैश से होगा, कुरैश का मतलब आज के ज़माने में शेख सैयद से, ये सब सारी बातें। तबलीगी जमात में एक और प्रॉब्लम है, कास्टिज्म को प्रमोट भी करती है और आप देंगे की पोस्ट पे आपको सिर्फ शेख सैयद मिलेंगे, और कोई पसमानदा बहुत मेहनत करके आगे बढ़ भी जाता है तो उसे सेवक की भूमिका में ही रखते हैं, और चूंकि पसमानदा के दिमाग में ये होता है कि हम दुनिया के लिए नहीं, हम आखिरत के लिए काम कर रहे हैं, हम अल्लाह उसके रसूल को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो अपने सेवक की भूमिका बराबर निभाता है। जी ये मतलब ये जी अभिनव जी, लेकिन ये तो हुआ कि आपको पोजीशन ऑफ पावर नहीं जा रही है, लेकिन ये जो दावा होता है कि बराबरी का बर्ताव होता है, तो क्या उसमें भी कुछ सच्चाई है कि नहीं बिल्कुल देखिए वो जब देखिए हमने बताया ना कि तबलीगी जमात में हमेशा आवाम और खवास, खवास कहते हैं खास को, ये खवास कह लीजिए जो स्पेशल लोग हैं जो नेतृत्व है उसके, वो आप किसी भी तबलीगी जमात के हिस्से में चले जाइए, पिंडाल देख के आप समझ में आ जाए कि आम लोगों में भी जो अशराफ हैं उनके साथ भी आम ही बर्ताव होता है, जैसे कोई सैयद बैठा हुआ है, कोई शेख बैठा हुआ है, तो आम लोगों के साथ है, किसी गांव से गया हुआ है, तो वो सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, वो करेंगे, लेकिन जो लीडरशिप है वो अपने को स्पेशल समझते हैं, वहाँ एकदम हर आदमी के लिए अलग अलग प्लेट, ये मैंने खुद आँख से देखी है, मुझे बहुत बुरा भी लगा था, तो ये एकदम साफ दिखाई देता है, ऐसी कोई बात नहीं। और जैसे छोटे मस्जिदें जहाँ, जैसे मान लीजिए आप बनारस शहर है, वहाँ की जो मरकज है, वहाँ तो सब एक साथ आपको खाते पीते मिल जाएंगे, लेकिन जब ऊपर लेवल पे आप जाएंगे, खासतौर से आप जब दिल्ली मरकज में जाएंगे, तो वहाँ इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। तब असल में देखिए भारतीय बहुत आध्यात्मिक होते हैं, तो हम एक अध्यात्म और ईश्वर को पाने की प्राप्ति और आध्यात्मिक मेंटेलिटी के साथ जाते हैं, तो हम दुनियादारी चीज़ को देखना नहीं चाहते हैं, ये हर धर्म में आपको मिल जाएगा, जो क्रीम लोग हैं अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। अच्छा, तबलीगी जमात को जो हमारा पसमानदा आंदोलन है उसका ये स्टैंड है कि तबलीगी जमात ये सिर्फ एक मानसिक रूप से फूट सोल्जर तैयार करते हैं, अशराफीकरण और इस्लाम के नाम पर अशराफवाद अशराफीकरण करते हैं, निकाह पहनने लगती हैं औरतें, और आपने देखे तबलीगी जमात में जो पसमानदा लगे होते हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, वो मदरसा खोलने लगते हैं, इस तरह की दिमाग पे ये बनाते हैं, वो बजाय स्कूल कॉलेज खोलने के डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर को मैंने देखा है वो मकतब और मदरसा खोलने लगते हैं। अच्छा, तो भाई मकतब, हाँ ये आप आमतौर से देख लेंगे, मैं नाम बता सकता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और आप एक बड़ा मंच है आपका, आपके बहुत फॉलोअर हैं, देख सुन रहे होंगे, तो वो इस तरह से मेंटेलिटी बना देते हैं और बिल्कुल विरक्त एक पैदा कर देते हैं दुनिया से, और जबकि वो दुनिया बहुत आप देंगे छोटी के जो लीडर हैं वो कोई, मैं बात करूँ चोटी के जो लीडर हैं वो कोई काम नहीं करते हैं, उनके पास दान दक्षिणा, मौलाना साद मौलाना जुहैर में जो लड़ाई है उसमें एक नुक्ता ये भी है कि मौलाना जुहैर साहब के पास जो है चढ़ावे ज्यादा आते हैं, वो मतलब मैं जनरल टर्म यूज कर रहा हूँ, हाँ मतलब इधर से जो मतलब मोहब्बत मिला के देते हैं कि हजरत ले लीजिए ये इस तरह का, ये एक डिस्प्यूट में ये भी बात थी, वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो चढ़ावे ले लेते हैं, तो वो चढ़ावे ले लेते हैं, कुछ ना कुछ क्लेम करेंगे जब भी, तो उसको डिस्क्रेडिट करेंगे कि सामने वाला इमारत के लायक नहीं है या अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। जी जी ठीक है, जो फैमिली डिस्प्यूट को किनारे रखते हुए वाइडर सोशल उसकी चर्चा करते हैं, तो तबलीगी जमात का पसमंदा समाज पे असर क्या हुआ? जैसे आपने बोला कि पसमंदा समाज से लोग जो निकल के थोड़ा आते भी हैं, तो उनके सारे रिसोर्सेज, उनकी सारी काबिलियत को तबलीगी जमात अपनी तरफ खींच लेती है और वो उनके समाज में नहीं जा पाती है, लेकिन कल्चर पे क्या असर पड़ता है? क्या डे टू डे लाइफ में, शादी ब्याह के कल्चर में, या आपके लिविंग स्टाइल में भी क्या कुछ पसमंदा समाज अपनी जमीन से कटता जा रहा है तबलीगी जमात के कारण? हाँ बिल्कुल 100%। आप शेरवानी लोग पहनने लगते हैं, टोपी लगाने, देखिए टोपी लगाने में सर ढकने का कल्चर हमारे भारतीय संस्कृति में भी रहा है, पगड़ी बांधना सर ढकना सब रहा है, आप सिख देखिए आप गुरुद्वारा में जाएंगे कुछ नहीं तो लोग रुमाल ढक लेते हैं, लेकिन ये इनकी एक विशेष प्रकार की टोपी होती है वो शेरवानी और टोपी, जबकि शेरवानी अरब कंट्री का भी पहनावा नहीं, इस्लाम में एज सच कोई ड्रेस कोड है ही नहीं, लेकिन ये अशराफ ने बताया कि नहीं इस्लाम में ड्रेस कोड है, ये अपना इनका इस्लाम की अलग व्याख्या है। आप म्यूट हो गए? जी मैं सुना जा रहा हूँ। जी हाँ वो अपने जड़ों से कटते जा रहे हैं, और देखिए वो इस्लाम के नाम पे अशराफीकरण हो रहा है, और अशराफीकरण क्या है आसान भाषा में समझिए कि अरबी और ईरानी कल्चर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि भाई ये हिंदुआना रस्म, ये अशराफ का पहले से रहा है,
तबलीगी जमात के पहले से रहा है, लेकिन तबलीगी जमात इस वक्त सबसे लीडिंग जमात है जो बड़ी तेजी से पसमानदा को गुलाम बनाने में लगी हुई है, और वो बहुत कामयाब भी है। घर घर में अब तबलीगी जमात के लोग मिलेंगे, और भाई भाई में बहस होता है शादी के मौके पर, क्योंकि फिर वो कल्चर आता है। जहाँ भी इस तरह की बात है, जो त्यौहार हमारे हैं, जैसे शादी ब्याह में ज़्यादा दिक्कत होती कि नहीं ये हराम है, ये नहीं कर सकते, ये हिंदुआना रस्म है, उसमें तबलीगी जमात में जा जाके जो हमारा मेंटेलिटी जो हमारा तैयार होता है, और फिर वो निजामे मुस्तफ़ा ले आना। देखिए, तबलीगी जमात कहते ज़रूर हैं कि ये ज़मीन के नीचे आसमान के ऊपर की बात करते हैं, लेकिन वो इसी दुनिया में रहते हैं, और जो मेंटेलिटी तैयार कर रहे हैं वो एक जो है, जैसे एक हिंदू राष्ट्र की एक परिकल्पना इस देश के अंदर, जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक वैसी तरह से वो एक इस्लामिक स्टेट की परिकल्पना है। कि और तबलीगी जमात में खुलेआम बात कही जाती है कि हमारी कामयाबी आगे जाने से नहीं है, हमारी कामयाबी पीछे जाने से, इतना हमें पीछे जाना है कि जहाँ साहबा कराम की ज़िंदगी की तरह हो जाए। ये खुलेआम मैं खुद हज़ार बार तकरीर में ये बात कह चुका हूँ, उस वक्त मुझे बात समझ में नहीं आती थी, तो ये खुलेआम कहते हैं कि पीछे जाने में कामयाबी है। ये मुझको मध्ययुगीन में जो मध्ययुग का एक सिस्टम है अशराफ का, जो आज भी अशराफ देखेंगे पसमानदों को मध्ययुग की मेंटेलिटी में रखना चाहता है। जी तो लेकिन क्या इसके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है? क्या पसमानदा जो मूवमेंट है, इसके समाज के जो थिंकर हैं, चिंतक हैं, क्या उन्होंने तबलीगी जमात के खिलाफ ऐसा कभी कुछ किया नहीं कि एक मूवमेंट चलाया हो? देखिए, पसमानदा आंदोलन बहुत कमजोर है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। हम अशराफवाद के हर 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 गढ़ पे हम हमला करते हैं, बात करते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को मुख्य धारा में उस तरह से जगह नहीं मिलती है। मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप लगातार पसमानदा विमर्श को मौका दे रहे हैं, तो वो कमज़ोर है। डिस्कशन होता है चायखाने में, घर में अपोज होता है, ढंग से अपोज होता है, लेकिन चूंकि तबलीगी जमात को सपोर्ट है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट है, जहाँ चाहते आ जाते हैं, जहाँ चाहे चले जाते हैं। जब मतलब हम लोग तबलीगी जमात काम डर के भागते हैं, अब किसी मस्जिद में जमात आ जाती है तो फिर अंधेरे जमात वाले शाम को गश्त करेंगे, उस वक्त मोहल्ला छोड़ के भाग जाएंगे, दूसरे मोहल्ले में चले जाओ ताकि यहाँ ना आगे पकड़े। तो एक डर था कि भाई, चूंकि वो अल्लाह की बात करते हैं, रसूल की बात करते हैं, तब उसका इनकार हम कैसे करेंगे, और मस्जिद में हम जाना भी नहीं चाहते, हमारे पास समय भी नहीं है। तो रस्सा कसी तो एक है समाज के अंदर, और लेकिन एक स्पष्ट उस तरह से विरोध जो बिल्कुल एकदम एक लाइन खींच के मेन स्ट्रीम में, उस तरह का नहीं दिखाया जाता है। पसमानदा आंदोलन, हमारे वकार साहब अक्सर कहते हैं कि तबलीगी जमात में हमें भागीदारी ले लेनी, क्योंकि बहुत से पसमानदा तबलीगी जमात में लेंगे, डायरेक्ट तबलीगी जमात को बोलने पे उनका मतलब एक कहते हैं भावनाएं आहत होती है, क्योंकि वो धर्म से जुड़ जाती है कोई चीज़, तो फिर व्यक्ति विशेष की भावनाएं आहत होने लगती है। तो इसमें हम लगातार भागीदारी की सवाल उठता है, भाई रहमतुल्लाह मेरठी को आपने क्यों हटा दिया, तबलीगी जमात की जो शूरा है उसमें कोई पसमानदा क्यों नहीं है, और उस तरह से जगह, अगर हम पसमानदा के डेडिकेटेड हैं तो फिर हमें उस तरह से जगह के छोटे मोटे शहरों के जो अमीर होते हैं उसमें पसमानदा आपको मिल जाएंगे। लेकिन बागडोर पूरी तरह से अशराफ के हाथ में है। और देखिए, भारतीय जो देशज मुसलमान हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी तीन आधार पर, मैं हमेशा कहता हूँ, एक तो एथनीसिटी के नस्ल और जाति जिसे आप कह लीजिए, दूसरा जो है कल्चर ग्राउंड पे, वो अरबी और ईरानी कल्चर बड़ी कल्चर है, अजीमुशान कल्चर है, हमारा भारतीय कल्चर जो है वो उसको भारतीय नहीं हिंदू कल्चर कहते हैं कि हिंदुआना रस्म है ये। तीसरा जो है क्षेत्र के आधार पर, अरबी अजमी, अरब हो गया, अरब के रहने वाले, अजमी जो है अदर देन अरब हैं, और अजमी का शाब्दिक अर्थ गूंगा के होता है। तो ये तीन आधार पर हमारे साथ भेदभाव है। तो अशराफ हमको इसी जगह काटता भी है, वो हमें हमेशा हमारे ऊपर, आपने पिछली बार पूछा था कि आप विदेशी क्यों कहते हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी कोई कहीं से आया रहेगा, हम थोड़ी विदेशी कहते हैं, ये खुद दिन भर अपने को विदेशी कहते रहते हैं कि हम फलाने की नस्ल से हैं, हम अबू बकर की नस्ल से हैं, इसलिए सिद्दीकी लिखते हैं, हम उमर फारूक की नस्ल से हैं इसलिए फारूकी लिखते हैं, तो हम सैयद हैं, हम विदेश से आए हैं, हम किरमान से आए हैं, हम ईरान से। आप देखिए अपने नाम के आगे किरमानी, शेरवानी, ये सब जगह के नाम हैं, बुखारी, ये लिखते रहते हैं, ये दिन भर हमको बताते रहते हैं कि हम बाहर से आए हैं। इतनी सिटी का ये रौब पसमानदा पे डालते रहते हैं, दूसरा कल्चर का भी डालते हैं, और उसी के रिस्पॉन्स में फिर पसमानदा भी उर्दू बोलने लगता है। पसमानदा जब उर्दू बोलता है तो अशराफ कहता है तुम्हारा तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, तुम उर्दू नहीं बोल पाते हो। पूरा एक बांग्लादेश इसी कल्चर का जो वो था संघर्ष, उसी पे पाकिस्तान से अलग होकर बना। और ये ऐसा नहीं है, बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में मैं समझता हूँ 1800 कुछ में एक आंदोलन भी जो शरीयत ये तहरीक मोहम्मदी जो अशराफीकरण का आंदोलन था तबलीगी जमात की तरह, उसके विरोध में हाजी शरीयतुल्लाह जो बंगाली थे उनके पुत्र दादू ने उसको लीड किया, और वो फराजी आंदोलन कहलाता है। तो उसमें वही भाषा कल्चर, तो उस आधार पे ये भेदभाव करते, उसी आधार पे हमको ये दबाते भी हैं नस्ल के, हम आला नस्ल के हैं, हम बड़े हैं, फिर ये तुम्हारा कल्चर ये है,
घटिया। अच्छा उसी के रिस्पॉन्स पे पसमांदा भी शेरवानी पहनता है। बोलते हो तुम अवधी, हाँ 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 उर्दू नहीं। आप देखेंगे, ये देखेंगे जो पसमांदा का पढ़ा लिखा तबका है वो अशराफ से ज्यादा उर्दू बोलने की कोशिश करता है और उर्दू शायरी करेगा, कह के देखिए मैंने उर्दू में लिखा, मैं अपनी अम्मी को उर्दू में खत लिखता हूँ, भले उसकी माँ उर्दू पढ़ ना पाती है। मतलब अपने को अशराफ दिखाने के चक्कर में हम लोग को लगता है कि हम अपने मुसलमान बनना चाहते हैं, तो ये आप समझ रहे मेरी बात, एक रिएक्शनरी होता है, वो ज्यादा उर्दू का इस्तेमाल करे। उर्दू के लिए मारपीट करने के लिए पसमांदा आपको आगे मिल जाएगा, शेरवानी या टोपी के लिए मार करने वाला, झगड़ा करने के लिए पसमांदा आगे। अशराफ क्या होता है, फूट सोल्जर बना के हमें आगे कर, आराम से पीछे बैठ के वो शतरंज में चाल चलने वाला वो होता है, खिलाड़ी मोहरे हम लोगों। ये खुलेआम है। और तबलीगी जमात देखिए ये एक वैश्विक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये तहरीक चल रही है और तबलीगी जमात दुनिया के बहुत से इस्लामिक देशों में बैंड है ये। और ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ सब चलता है, यहाँ सेकुलर के नाम पे हम सब कुछ चला देते हैं। देखिए सेकुलरिज्म का हमने डिफिनेशन पहले भी बताया था आपको, सेकुलरिज्म का सीधा से इस देश के अंदर डिफिनेशन यही है कि अशराफ के बिरयानी से भरे हुए पेट को जो है शाही टुकड़ा देना, ये सेकुलरिज्म है इस देश का। अगर आप उनको शाही टुकड़ा दे रहे हैं उनके भरे हुए पेट को तो आप सेकुलर हैं, नहीं तो साहब मुस्लिम कार्ड विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। अरब में बैन है तबलीगी जमात, ईरान में बैन है, लेकिन वहाँ छुपे तौर पे काम होता है। जी, आपने कहा, आपने बताया कि किस तरीके से आपका मोह भंग होता है तबलीगी जमात से, लेकिन फिर आप इससे बाहर कैसे आए, वो कौन सा पॉइंट था या क्या रहा कि आपने कहा कि मैं बाहर निकलना हूँ? और आपके अगल बगल आपके परिवार का, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? क्या आपको रोकने की कोशिश नहीं हुई, क्या आपको समझाने की कोशिश नहीं हुई? देखिए मैं तबलीगी जमात में बहुत डेडिकेटेड होकर काम करता था, लेकिन जब मेरा धीरे धीरे मोह भंग हुआ तो मेरा पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होने लगा। मेरी मन ही नहीं चाहता था, तबीयत ही नहीं करती थी कि हम जाएं। तो पहले मरकज की पाबंदी हमारी छुट्टी जो हफ्ते में एक दिन जाना होता था, फिर जो मस्जिदवार जमात थी वहां से धीरे धीरे डिटैच होने लगा। तो जब आदमी डिटैच होता है तो तबलीगी जमात का स्टाइल था कि नहीं अपने पुराने साथियों को पकड़ो। मैं भी पुराने साथी जो काम बंद कर देते थे उन पर बहुत मेहनत किया है और बहुत से पुराने साथियों को मैंने जोड़ा। मेरे जोड़े हुए साथी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरे साथी थे जिनको मैंने जोड़ा, क्लीन शेव रहा करते थे, उन्होंने लंबी लंबी दाढ़ी रख ली। और मैं जेएनयू में गया था, एक साहब हमारे थे, तो जेएनयू में भी तबलीगी जमात का काम होता है, आपको भी पाला पड़ा होगा। तो मुझे देखा कि वो क्या कह रहे फयाज भी आपने दाढ़ी हटा ली, मैंने दाढ़ी भी रखी हुई थी। मुस्लिम परिवार से बच्चे आते थे जो थोड़े क्या कहते हैं, अब मुझे पता नहीं पसमांदा थे कि क्या थे, तो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, थोड़ा मॉडर्न दुनिया में शामिल होने की कोशिश करते थे, तो उनको हमेशा तबलीगी जमात वाले हॉस्टल में आके इन ग्रुप में धावा बोल देते थे। तो आपने देखा होगा वो पूरी भगदड़ मचती थी कि जमात वाले आ गए भागो भागो, धीरे धीरे आते थे अफगानिस्तान जाते थे इनको देख के। वो कश्मीर से वो एक सब रहा है, चूंकि विश्व लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी पकड़ है इनकी और बहुत कॉन्टेक्ट भी इनके बढ़िया है तबलीगी जमात के। और कोरोना काल में जो डिस्प्यूट हुआ था तो बाहर से दबाव पड़ा था भारत सरकार पे, जो मेरे अपने जरायम से मुझे पता चला था, इसलिए थोड़ी सी इंडियन गवर्नमेंट बैकफुट पे भी आई थी। एनीवे तो धीरे धीरे मैं उसे डिटैच होने, लेकिन जो मेरे पुराने साथी थे मेरे उनसे आज भी संबंध बहुत अच्छे हैं। उसमें बहुत से जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर, चूंकि मैं स्टूडेंट था उस वक्त इलाहाबाद, आप जानते हैं प्रयागराज, आप उसका नाम हो गया है, प्रयागराज कहना ही मैं उचित समझता हूँ। वहाँ एक ब्यूरोक्रेट्स पैदा होते हैं, यूपी का ब्रेन कहा जाता है, तो वहाँ से IAS हुए, PCS हुए, तबलीगी जमात के लगे हुए लोग, लोक सेवा आयोग में भी बहुत से मेरे अच्छे संबंध है, आज भी बात होती है तो वो आज भी डेडिकेटेड लोग हैं, मुझसे कहते हैं आपका वक्त लग रहा है कि नहीं, मतलब तबलीगी जमात की ये टर्मिनोलॉजी है कि मतलब आप जमात में जा रहे हैं कि नहीं। मैं ऐसे कहता हूँ कि नहीं अब बहुत दूरी हो गई, मैं नहीं वक्त लगता है। तो धीरे धीरे मैं अलग हुआ तो मेरे साथी जो पहले थे जो मेरे से पीड़ित थे, मैं उनको पकड़ पकड़ के जमात में ले जाता था, वो तो थोड़े खुश हुए कि चलो यार अब तुमको भी बात समझ में आ गई, बहुत परेशान करते थे तुम, लेकिन वो इनकार नहीं करते थे। मतलब एक वक्त चला जाना, स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ने के लिए समय और इस तरह की बात, तो समाज से बहुत रेजिस्टेंस नहीं हुआ। चूंकि हमारे घर में हमारे पिताजी बहुत तबलीगी जमात, बहुत प्रो तबलीगी जमात भी नहीं थे, वो क्रिटिसाइज भी करते थे। मैंने एक अच्छा पिता पाया था, वो इस दुनिया में नहीं है, मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे धार्मिक कुरीतियों से, धार्मिक कट्टरता से मैं बचा हूँ, तो इसमें मेरे पिताजी का बड़ा योगदान है, उसके साथ मैं मेरी माता जी का, वो उस बड़ा सपोर्ट करती थी, इस वजह से मैं बच पाया। अगर मेरे पास मेरे पिता की तरफ पिता नहीं होते तो बड़ी मुश्किल था कि मैं बच पाता। मैं एक बात ये बताऊं कि मैं हम लोग जब घर में थे बचपन से, मेरे पिताजी का एक स्टाइल था, वो हमें जैसे दादी नानी कहानी सुनाया करती हैं, वो हमको हिस्ट्री पॉलिटिक्स, खुद साइंस के टीचर थे, और उनका एक बड़ा हमेशा हम लोगों से कहा, मैं भी
आठवीं के बाद से हमारे नाइन्थ टेंथ से आप जानते हैं उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में साइंस हो जाता है, या साइंस पढ़िए आर्ट्स पढ़िए। तो मैं साइंस का स्टूडेंट था नाइन्थ क्लास से, तो पापा हमेशा कहा करते थे कि देखो साइंस का स्टूडेंट होता है कुएं का मेढक, वो सिर्फ कास्ट थीटा साइंस थीटा और जूलॉजी बॉटनी और यूगलिना पैरामीशियम ही जानता है, वो समाज और एंथ्रोपोलॉजी नहीं समझ पाता है। तो पिताजी ने हम लोगों को बकायदा बैठा के किससे कहानी में पूरी हिस्ट्री पढ़ाई। मैं फ्रांस की क्रांति को, मैं जब हाफ पैंट पहनता था उस वक्त मैं फ्रांस की क्रांति जानता था, मेरे पिताजी बताते थे। एक डिस्कशन था, हमारी माता जी को एक बड़ी शिकायत रहती थी जब हम लोग इलाहाबाद जाके पढ़ने लगे, घर में भी आते थे पापा के साथ बैठते थे तो वो हिस्ट्री पॉलिटिक्स और देश की इकोनॉमी पे और देश का जो समसामयिकी पे करंट अफेयर पे ज़्यादा बात करते थे। हम लोग बचपन में भी हाफ पैंट के ज़माने में भी पिताजी एक बजे रात तक लेके बैठे रहते थे, और जब हम लोग बड़े हुए जब थोड़ा सा मेंटल स्टेटस मैच करने लगा तो हमारी माता जी की बड़ी शिकायत रहती थी कि मैं तुम्हारी पापा से ही पीड़ित थी, अब तुम लोग भी आते हो तो घर दरवाजे की बात नहीं करते हो, घर कैसे आगे बढ़ेगा, परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, कहाँ जमीन लेनी है, कहाँ घर बनवाना, ये सब इसमें तुम लोग कोई दिलचस्पी नहीं है, बैठ के तुम लोग पता नहीं कौन लॉर्ड की बात करते हो, कौन प्रधानमंत्री की बात करते हो। ये माता जी की शिकायत रहती थी कि तुम लोग घर की बात नहीं करते, एक इस तरह का हमारे पिताजी का था वो। हाँ, मेरे पिताजी के बारे में मैं एक बात कहूँ कि जो है वो अपने वो हमारे लिए पिता से ज्यादा शिक्षक रहे हैं। जी प्रकाश जी कहिए। अभी आपने जो अपने फादर जी की बात की, उन्होंने जो सिखाया वो आज देखिए वो समाज के काम आ रहा है आपके थ्रू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत सोशल सर्विस करते रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, अभी तीन चार दिन पहले उनका पुराना स्टूडेंट, मैं समझता हूँ उनकी 50-55 साल उम्र होगी, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया था तो मैं उस दिक्कत से डिस्कस कर रहा था, तो कहा कि देखिए आपके पिताजी की नेकियां हैं, मैं आज बात खोल रहा हूँ, हम लोग 7-8 स्टूडेंट थे जो फीस घर से नहीं दे पाते थे और कई बार नाम कट चुका था, तो आपके पिताजी फीस हम लोग की जमा करते थे और हम लोगों को बुला के स्पष्ट कह दिया था कि तुम अपने घर पैसे नहीं मांगोगे और स्कूल नागा नहीं करना, स्कूल आके पढ़ना है, और 7-8 लोगों की फीस खुद दिया करते थे। तो मेरे पिताजी का एक सोशल वर्क पहले से रहा है, तो मैं उसी काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप ये सर जी अभिनव जी, थैंक यू फयाज जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, बहुत कम लोग इस मुद्दे पे बात करते हैं, तबलीगी जमात से काफी लोग जुड़े रहे हैं, काफी लोग उसको चले जाते हैं उससे बाहर निकल के, लेकिन बात नहीं करना चाहते हैं उसके ऊपर। सो थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, और हमारे ऑडियंस को कुछ नया बताने की, क्योंकि बहुत लोगों को इससे बातें पता नहीं होती हैं, उनके लिए तबलीगी जमात का मतलब एक होमोजिनस एक मोनोलिथिक संगठन होता है, लेकिन आपने बताया कि किस तरीके से उसके अंदर भी कितने सारे भेदभाव हैं, कितनी पॉलिटिक्स है, और किस तरीके से पसंदा जो उसमें जो फंस जाता है या जो उसमें शामिल हो जाता है वो किस तरीके से अपने कल्चर से अपनी जड़ों से अलग होने लगता है, दुनियादारी से अलग होने लगता है, वो अंत में उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है। अभिनव जी, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा, ये जो आपने कहा, प्रशंसा किया मेरी, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं उतना प्रशंसनीय नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे मुझे ये बोलने का हौसला, सच बोलने का हौसला मेरे पिताजी से आया, वो बचपन से एक शेर पढ़ा करते थे, मैं शेर यहाँ पढ़ना चाहूंगा, कि हालांकि मैंने उर्दू अदब पे एक आर्टिकल लिखा है उर्दू अदब का जातिवादी चरित्र, फिर भी मैं शेर एक पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी एक शेर पढ़ा करते थे बचपन से, वो ऐसे है कि तुम सुकरात जहर के प्याले होंगे, सच जो बोलोगे तो ईसा की सजा पाओगे। तो पिताजी ने ये शेर पढ़ पढ़ के हम लोगों को पाला है, तो सच बोलने का हौसला मुझे पिताजी के साथ